हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और जीटीयू डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि फाइनली पोको का वो फोन जिसका हम सालों से वेट कर रहे थे वो अब आने वाला है और उसकी लॉन्च डेट भी डिसाइड हो गई है। बताऊंगा सब कुछ उस फोन के बारे में और साथ ही साथ टेक ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टेक ऑफ द डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसी कंपटीटर कंपनी के साथ है ये टेक ऑफ द डे जो मुकाबला करेगी वन प्लस के फोन के साथ अपने नॉर्ड 2 को निकाल के। जी हां, हम बात कर रहे हैं वन प्लस की। जी हां, वन प्लस की बात करें तो यहां पे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हमने निकाले हैं वन प्लस के बारे में। पहला ये कि वन प्लस की कंपनी में वन प्लस का मतलब है कि ये कंपनी अपने कंपटीटर से एक कदम आगे रहती है। एक और इसका मतलब है, अगर हम बोलते हैं वन प्लस वन, वन का मतलब है यूजर और प्लस का मतलब है कि वो बाकी लोगों को रिकमेंड करता रहेगा वन प्लस का फोन। ये दूसरा मतलब है। और तीसरा मतलब बहुत ही बढ़िया है, वो तो बहुत ही अलग तरह का है, मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आया। आई होप आपको समझ में आएगा और अगर समझ में आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, क्यों नहीं करते हो, रोज टेक न्यूज लेके आते हैं आपके लिए। तो यहां पे तीसरा मतलब है, चाइनीज में वन प्लस को प्रोनाउंस किया जाता है यी जाई। एक्चुअली मैं थोड़ा गलत कर रहा हूं, इनसे खुद से ही बुलवा लेते हैं। अब सुनो, यी जाई, यी जाई। ये जीजा जी तो नहीं बोल रहे यार, ऐसा लग रहा है जैसे जीजा जी बोल रहे हैं। बट एनीवेज, तो ये है चाइना का प्रोनाउंसिएशन वन प्लस का और इसका मतलब पता क्या होता है चाइनीज लैंग्वेज में? अ फैमिली। जी हाँ, वन प्लस का मतलब एक फैमिली भी है। तो वन प्लस के नाम के कितने मतलब हैं आपने खुद देख लिया आज, और अगर ये फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो पोको F3 GT का टीजर डाला था फ्लिपकार्ट ने कि भाई फ्लिपकार्ट पे आने वाला, उन्होंने वहां पे लिख दिया 22 जुलाई। अब 22 जुलाई को तो एक और फोन लॉन्च हो रहा है और वो है वन प्लस नॉट 2। तो पूरी तरह से धुरंधर तरीके से ट्वीट्स आने शुरू हो गए ट्विटर पे कि अब तो तगड़ा मुकाबला होगा, वन प्लस भी उसी दिन लॉन्च करेगा, पोको भी उसी दिन लॉन्च करेगा। लेकिन फिर पोको ने एकदम से एक और टीजर निकाला ऑफिशियल हैंडल से और बोल दिया कि हम तो 23 जुलाई को लॉन्च कर रहे हैं, 22 को नहीं। तो ऐसे में पोको ने खेला है सेफ क्योंकि तब तक नॉट 2 की प्राइस आ जाएगी। तो ऐसे में पोको F3 GT की प्राइस शायद थोड़ी कम हो सकती है। पोको F3 GT वैसे हमारे पास आ चुका है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो आने वाला है बहुत सही। यही रखा हुआ है, दिखने आपको नहीं दिखेगा, यही रखा हुआ। तो दोस्तों, पोको F3 GT में क्या कुछ खास होने वाला है इसके बारे में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ ली होगी पूरे इंटरनेट पे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पोको F3 GT एक बहुत बड़ा डिवाइस है पोको के लिए, क्योंकि पोको का अगर ये डिवाइस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पोको की तो लिटरली डेथ हो जाएगी। तो ऐसे में पोको की प्राइसिंग मुझे लगता है ज़्यादा एग्रेसिव होगी। ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है कि 30,000 रुपये में आएगा और वन प्लस नॉट 2 तो महंगा ही होगा, जैसा वन प्लस का अभी ट्रेंड चल रहा है सब डिवाइसेस महंगे करके लॉन्च करना फिर बाद में उसे डिस्काउंट देना। तो दोस्तों, बात करते हैं ओला वन। ओला का स्कूटर आप बुक कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपए में। 500 रुपए में आपको ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग मिलेगी, पूरा स्कूटर नहीं मिलेगा, लेकिन ये बुकिंग अगर आप बाद में कैंसिल भी करना चाहते हैं तो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। और ओला का स्कूटर बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर जाके जो कि olaelectric.com है अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक कर सकते हैं। स्कूटर तो बुक कर दो, कि चार्ज करने का सिस्टम है या नहीं सोच समझ के करना। दोस्तों, अगली खबर आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस फाइनली लॉन्च करेगा अपने प्रीमियम TWS और इनका नाम होने वाला है वन प्लस बर्ड्स प्रो। अब क्या कुछ होगा इसके अंदर, इसमें आपको अडैप्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलेगी जो कि अच्छी खासी नॉइस को कैंसिल करेगी। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ 28 आवर्स की बैटरी लाइफ ये लोग बोल रहे हैं अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यूज करते हैं, और अगर नहीं यूज करते हैं तो 38 आवर्स का बैकअप मिलेगा। और इनका डिजाइन जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा एप्पल के एयरपॉड्स प्रो है, तो कहीं ना कहीं कॉपी तो वही है लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइसिंग एग्रेसिव होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम मैं भी ले सकता हूं, आप भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल को हो सकता है मुश्किल आईफोन को बेचना यूके के अंदर, क्योंकि वहां पे एक कोर्ट केस आ चुका है जिसमें एक सेलर कंपनी जो कि यूके की कंपनी है उन्होंने एप्पल के ऊपर केस कर दिया कि भाई आपने हमारे पेटेंट्स को इंफ्रिंज किया है, वॉयलेट किया है, और जिसकी वजह से अगर ये केस चलता रहा तो शायद कुछ समय के लिए एप्पल आईफोन बिकना बंद हो जाए यूके के अंदर।
इंडिया में तो मिल रहा है लेकिन वहां पे बंद हो सकता है। दोस्तों स्पेन के अंदर जो कंज्यूमर का कानून है उसके हिसाब से उन्होंने एप्पल के ऊपर केस किया है कि जब से iOS 14.5 आया है पुराने आईफोन्स में वो स्लो डाउन हो गए हैं। और इस तरह की खबरें कोई पुरानी नहीं है, ये पहले भी एप्पल के साथ हुआ है। जिस टाइम पे एप्पल आईफोन 6X पुराने सालों में एप्पल ने स्लो कर दिया था जानबूझ के ताकि लोग नया वाला आईफोन खरीदें, तो कुछ वैसा ही दोबारा हो रहा है। और ऐसे में स्पेन के अंदर ये कंप्लेंट भी आ गई है। मुझे लगता है अगर ये बढ़ गया मामला तो पूरे ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाएगा और फिर एप्पल की काफ़ी वाट लग सकती है और उनको एक बड़ा फाइन भी हो सकता है। दोस्तों WhatsApp ने बैन किए हैं 20 लाख इंडियन अकाउंट WhatsApp को यूज करने के लिए, क्योंकि शायद कुछ स्पैम फैल रहा था या और कुछ हुआ होगा, लेकिन 20 लाख इंडियन अकाउंट बैन हुए हैं। क्या आपका भी उनमें से कोई एक है तो बताना जरूर कमेंट्स में। और साथ ही साथ इंडियंस का क्या रिएक्शन है इस पे ये जरूर देख लेना ट्विटर पे जाके, कुछ तो हम दिखा दे रहे हैं, बाकी आप खुद देख लेना। दोस्तों Xiaomi का Redmi Note 11 Pro 5G ऑलरेडी मेकिंग में आ चुका है, डिजाइन लेवल पे पहुंच गया है और उसका डिजाइन भी यहां पे दिख रहा है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इस बार इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। डिजाइन काफी प्रीमियम लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी लग रहा है कि ये बजट रेंज का फोन है, क्योंकि यहां पे डिजाइन के अंदर एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, दो बड़े बड़े कैमरास हैं, एक छोटा कैमरा है और LED फ्लैश है। काफी प्रीमियम डिजाइन लग रहा है Redmi Note 11 Pro का, जो कि शायद अभी से एक साल बाद लॉन्च होगा, क्योंकि अभी तो लॉन्च हुआ था Redmi Note 10 Pro, तो आई थिंक समय लगेगा। दोस्तों इसरो की तरफ से बहुत ही बढ़िया खबर आ रही है, जुलाई 14 को इनका एक टेस्ट सक्सेसफुल हुआ जो कि लिक्विड प्रोपेलेंट के अंदर विकास इंजन के अंदर यूज होना था और इसको बोल रहे हैं L110 लिक्विड स्टेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट है गगनयान के लिए, जो कि हमारी तरफ से होने वाला है इंडिया में और जो कि पिछली बार फेल हो गया था लेकिन अब शायद वो सक्सेसफुल होगा और उसी के लिए हम लोगों को प्रे करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह कि अब ग्रीन सिग्नल मिलते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप एंड आई होप कि हमारे साइंटिस्ट वो सब अचीव कर पाएंगे जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आई मैसेज को कहा गया है कि ये सोशल मीडिया ऐप नहीं है और इसीलिए इंडिया के जो रेगुलेशंस हैं इंडियन गवर्नमेंट ने जो लगाए हैं, जैसे कि ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कि भाई आपको एक ऑफिसर बिठाना पड़ेगा, ग्रीवियंस वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा कुछ एप्पल को नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एप्पल का आई मैसेज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं समझा गया है। तो ऐसे में एप्पल को एक तरह से इस मामले से बाहर निकाल दिया गया कि तुम आराम से रहो, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और एप्पल की अच्छी खासी दोस्ती है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे आप व्हाट्सएप को मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉगिन कर सकते हैं और वो भी यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, आपको लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें पहला आपका फोन रहेगा, दूसरा आपका एक लैपटॉप, तीसरा आपका दूसरा लैपटॉप और कोई चौथा कोई और मैक मशीन वगैरह। तो इस तरह से आप मल्टीपल डिवाइसेस पे व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया है, आप जाके आर्टिकल जरूर पढ़ लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जो अगली टिप है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों को यूज करके एक साथ एक वीडियो में बना सकते हो, यानी कि अगर आपको व्लॉगिंग करना है, आपको खुद का फेस भी दिखाना है और रियर भी दिखाना है, तो आज के समय में आप ये सब चीज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन पे। इसके लिए बताइए हमने दो एप्लीकेशन जो कि फ्री हैं, उनको यूज करके आप फ्रंट और रियर कैमरा दोनों से एक साथ एक ही समय पे वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें, साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। कल मिलता हूं आपसे नई टेक न्यूज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।